का भी एक मॉडल भवन बनाया गया है, एक इसका संकलन है और आप अंदर जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मुसरीघाड़ी थाना, जी हाँ दोस्तों ये नया शिफ्ट हुआ है, ये पटोरी रोड बथुआ बुजुर्ग में ये थाना शिफ्ट हुआ है, जो मुसरीघाड़ी चौराहा पे पहले चौराहे के बगल में ही मतलब ये थाना था, फिर ये थाना को यहाँ शिफ्ट किया गया। देख पा रहे होंगे पीछे, जी हाँ दोस्तों मुसरीघाड़ी थाना आज उद्घाटन था। जी हाँ दोस्तों हमारे पहले मुसरीघाड़ी थाना था वो मुसरीघाड़ी चौराहे पे था, अब ये पटोरी रोड में शिफ्ट किया गया है ये थाना को। मॉडल थाना मुसरीघाड़ी कुछ अंदर से इस प्रकार से है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के जरिए, मैं ब्लॉग के जरिए आपको पूरा अंदर का टूर कराऊंगा और आपको पूरे ब्लॉग के जरिए हम ये मॉडल थाना को दिखाने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं आप कुछ इस प्रकार से लग रहा है, बहुत सारे भैया लोग जो शूट कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से है मॉडल थाना मुसरीघाड़ी, जो कि पटोरी रोड बथुआ बुजुर्ग में इसको शिफ्ट किया गया है। कुछ अंदर से देख पा रहे हैं इस प्रकार से। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं वहाँ से है ये एंट्री है, देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। अपराधियों को पहचान करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई या अभियान चलाया गया उसकी सराहना आम लोगों में भी हो रही है, यह अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। और आज हमने कहा है कि इसको जारी रखिए और इसको और अधिक तेजी से बढ़ाइए, जिससे कि कोई अपराधी इस इलाके में घुसने नहीं पाए और अगर घुसता है तो फिर यहाँ से बच के नहीं। क्राइम रोकने के लिए सर सरकार तो कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है कह रहा है कि अब जंगल राज पार्ट टू आ गया है बिहार में। देखिए ये तो अपना अपना नजरिया होता है ना, कि खाली पूछ दीजिए जो कैसे आ गया। आप समस्तीपुर में ही स्थिति देख लीजिए कि आज अपराध कोई करता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, तो ये जंगल राज पार्ट टू कैसे हो गया पूछिए, ये तो आप लोग भी पूछिएगा तो आप ही लोग। हालांकि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। भरोसा पुलिस में और सरकार में बढ़ा है, ये पुलिस की उपलब्धि है जिसके लिए हमने इन्हें बधाई भी दी, और बाकी तो जो विकास के काम हैं वो हो ही रहे हैं, लोगों को हर तरह की सुविधा मिल ही रही है, सड़क बिजली पानी सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए मुसरीघाड़ी थाना तो दसों से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। न हमारे नजरिए हम लोगों के सरकार की सरकार की हैसियत है कि थाने का भी एक मॉडल भवन बनाया गया है, एक इसका संकलन है और आप अंदर जाकर देख लीजिए महिला कैदियों के लिए या पुरुष कैदियों के लिए हर तरह के कैदियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। जी प्रणाम। जनता जी फोन आपका सुनो ये हमारे लिए।
अच्छा से वो ऊपर कौन का